नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो में वोल्टेज ओएस के साथ प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना। एंड पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हमने रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर वोल्टेज ओएस 3.6 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पर हमने पोको F5 डिवाइस के ऊपर प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस 2.7 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों रोम का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। स्टार्ट कर लेते पर एंड्रॉयड वर्जन के साथ। दोनों जो रोम है एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है एंड ढेर सारी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है दोनों रोम के साथ। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ। दोनों रोम के साथ जो है थीम आइकॉन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, क्लॉक विजेट्स का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। एंड दोनों रोम के साथ जो है बैटरी स्टाइल को जो है कस्टमाइज कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ यूआई देखने को मिलेगा। ऐप ड्रॉयर की अगर बात करें, यहाँ पर दोनों रोम के साथ जो है ऐप ड्रॉयर के साथ ब्लर का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा, तो आप जो है ऐप ड्रॉयर के साथ भी ब्लर को एडजस्ट कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। वोल्टेज ओएस के साथ जो है डार्क मोड के साथ अवेलेबल है एंड प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ जो है डार्क मोड प्लस लाइट थीम दोनों के साथ ही देखने को मिल जाएगा। एनीवे यहाँ पर प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ जो है ब्राइटनेस परसेंटेज का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा प्लस ब्लर का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ इवन डेटा यूजर्स का ऑप्शन है। यहाँ पर वोल्टेज ओएस के साथ भी डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बाकी दोनों रोम के साथ ही जो है ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है देखने को मिलेगा। एंड पावर मेन्यू के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक पावर मेन्यू है दोनों रोम के साथ। एंड दोनों रोम के साथ जो है एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम यूआई दोनों को ही आप यहाँ से रिबूट कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से पावर मेन्यू के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। एंड लाइट थीम एंड डार्क मोड दोनों के साथ ही यहाँ पर जो है पावर मेन्यू का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। वोल्टेज ओएस के साथ जो है एंड्रॉयड 14 का लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा एंड प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ जो है यहाँ पर लॉक स्क्रीन यूआई का हमने कस्टमाइज किया है। अलग अलग लॉक स्क्रीन स्टाइल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमने बैटरी परसेंटेज एंड जो वॉल्यूम परसेंटेज का ऑप्शन है, डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ भी चेंजेस है। यहाँ पर लाइव कैप्शन एंड वॉल्यूम परसेंटेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के बारे में, तो सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डार्क मोड को डिसेबल किया है, तो देख सकते हो दोनों रोम के साथ जो है सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस है। काफ़ी डिफरेंट एंड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर दोनों रोम के साथ ही जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। स्टार्ट कर लेते हैं पर थीम्स के साथ। तो यहाँ पर वोल्टेज ओएस के साथ जो मोनेंट के साथ भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिमिलर ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आइकॉन पैक, नेविगेशन बार स्टाइल, फॉन्ट, सिग्नल आइकॉन स्टाइल, डेटा आइकॉन स्टाइल, वाईफाई आइकॉन स्टाइल, इवन जो वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल वगैरह है प्लस ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल एंड यूआई स्टाइल को भी कस्टमाइज कर सकते हो प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ, जो कि हमने यहाँ पर वोल्टेज ओएस के साथ जो है ऐसे भी ऑप्शंस को नोटिस नहीं किया है। एनीवे यहाँ पर सरस बार के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सरस बार के साथ जो है डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइकॉन मैनेजर का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। इसके अलावा जो है 4G आइकॉन हो जाए, माइक, कैमरा, लोकेशन, प्राइवेसी, इंटीग्रेट का ऑप्शन है। या फिर इसके अलावा बैटरी स्टाइल, बैटरी बार का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। इवन आपने अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस के साथ डिवाइस को मतलब फ़ोन को कनेक्ट किया है, तो उस ब्लूटूथ डिवाइस का जो है बैटरी परसेंटेज को चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई नेक बैंड हो जाए, तो यहाँ से ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। या फिर नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन है एंड माइक, कैमरा, लोकेशन, प्राइवेसी, इंटीग्रेटर का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। तो प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है। क्विक सेटिंग्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है दोनों रोम के साथ ही अवेलेबल है। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन का ऑप्शन, यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑन, ऑटोमेटिक वाईफाई ऑन का जो फीचर्स देखने को मिलता है, जो कि यूजफुल है। जैसे कि यहाँ पर फिलहाल जो है अगर देख सकते हो, हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑन का जो ऑप्शन है एनेबल नहीं किया है। तो ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए पहले हमें यहाँ पर ब्लूटूथ में टैप करना होगा, इसके बाद इस टॉगल को ऑन करना होगा, इसके बाद जो है ब्लूटूथ ऑन होगा। तो अभी फिलहाल हमने जो ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑन का जो ऑप्शन है एनेबल कर दिया है। उसके बाद सिंपली
या पर ब्लूटूथ में वन टैप करते ही जो है ब्लूटूथ जो है ऑन हो जाएगा। तो ये जो फीचर्स है ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑन, ऑटोमेटिक ब्लूटूथ ऑफ काफ़ी यूजफुल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ ये जो फीचर्स है बाय डिफॉल्ट जो है एनेबल है। इवन जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ओपेसिटी वगैरह है उस भी आप जो है यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। ड्यूअल टोन थीम का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स का जो लेआउट वगैरह है उसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन प्लस ब्राइटनेस स्लाइडर, इवन जो ब्राइटनेस परसेंटेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इसके अलावा जो ब्राइटनेस स्लाइडर के साथ जो हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन से भी जो है क्विक सेटिंग्स पैनल को डिसेबल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं बटन्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को यहाँ पर वेकअप कर सकते हो, प्लस यहाँ पर वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम पैनल को, यहाँ पर लॉक स्क्रीन से पावर मेनू को डिसेबल करने का ऑप्शन है, इवन पावर मेनू का जो ओपेसिटी है उसे भी एडजस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर वॉल्यूम वेकअप का ऑप्शन है, प्लस कॉल वगैरह को आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं गेस्चर्स के बारे में। तो यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, डबल टैप टू चेक फोन का ऑप्शन है, ब्राइटनेस स्लाइडर, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट एंड ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज उसके साथ जो है लॉक स्क्रीन के साथ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन इरर वाइब्रेशन डबल टैप टू एक अपर एप्पल एनिमेशन चार्जिंग इन्फो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन प्लस लॉक स्क्रीन के ऊपर वेदर को भी ऐड कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ जो है लॉक स्क्रीन स्टाइल का ऑप्शन है, डायनेमिक क्लॉक, डेप्थ वॉलपेपर, यहाँ पर लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो, वेकअप ऑन चार्ज, ऑलवेज शो व्हेन चार्जिंग, रैपिड एनिमेशन, यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। बैटरी के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, यूआई वगैरह के साथ चेंजेस है। यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल, स्लीप मोड, एडाप्टिव चार्जिंग, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, चार्जिंग कंट्रोल, बैटरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर बैटरी विजेट्स, ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन है। वोल्टेज वाइज के साथ यहाँ पर बैटरी मैनेजर, चार्जिंग कंट्रोल, बैटरी इन्फो का ऑप्शन है। एंड सच बताओ तो दोनों रोम के साथ जो एक्सपीरियंस है बैटरी के साथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर सेपरेट जो रिव्यू वगैरह उसे चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ भी कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम वगैरह को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इवन जो है अलग अलग सिम का जो है अलग अलग रिंगटोन को सेट कर पाओगे। लाइव कैप्शन, यहाँ पर स्मार्ट पॉज का फीचर से ऐड किया गया है प्रोजेक्ट मिस्ट ओएस के साथ। रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न का जो फीचर्स देखने को मिलेगा। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन है दोनों रोम के साथ ही ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है दोनों रोम के साथ ही अवेलेबल है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा जो है यहाँ पर गेस्चर्स के साथ भी क्विकली ओपन कैमरा, यहाँ पर क्विक टैप का ऑप्शन है, क्विकली प्लस क्विकली जो है आप टॉर्च को एनेबल कर सकते हो वोल्टेज वाइज के साथ। नेविगेशन मोड, 100 मोड, लिफ्ट टू चेक फोन, टैप टू चेक फोन का ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, डबल टैप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है वोल्टेज वाइज के साथ। तो डेफिनेटली दोनों रोम को ट्राई करके देखो, दोनों रोम के साथ जो कुछ यूनिक एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा।